आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का जन्म हुआ था। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। सरदार पटेल का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने आज़ाद भारत में बिखरी हुई रियासतों का विलय करते हुए एकता के सूत्र में बांधा। इस कारण 31 अक्टूबर के दिन प्रतिवर्ष उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देहाती इन्फॉर्मर। दोस्तों, आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। वह त्याग और बलिदान की मिसाल भी थे। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए भारत में सरदार पटेल को देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाने लगा था। कांग्रेस पार्टी में सभी चाहते थे सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने, लेकिन दावेदारी में जवाहरलाल नेहरू भी का नाम शामिल था। महात्मा गांधी के कहने पर सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री की रेस से अपना नाम वापस ले लिया। लव पुरुष पटेल काफ़ी दूरदर्शी थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत और चीन के रिश्ते पर पहले ही आगाह कर दिया था। गुजरात के खेड़ा जिले में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। वह एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले पटेल ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर भविष्य में खास बन गए। वह आज़ादी की जंग का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने शराब छुआछूत और स्त्री अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का प्रयास जारी रखा और आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। जब भारत को आज़ादी मिली तो देशवासी अपनी नई सरकार बनाने के लिए तैयार थे। पूरे देश की निगाहें कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम पर टिकी थी। माना जा रहा था कि कांग्रेस नया अध्यक्ष ही भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा। सरदार पटेल की लोकप्रियता के चलते कांग्रेस कमेटी ने नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया और पटेल पूर्ण बहुमत से पार्टी के अध्यक्ष बन गए। लेकिन पार्टी में विच्छेद की संभावना को खत्म करने के लिए गांधी जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री पद से पीछे हटने को कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की बात का मान रखते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। पटेल को देश का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्हें कई और जिम्मेदारियां सौंपी गईं। उस समय पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती देशी रियासतों का भारत में विलय था। छोटे बड़े राजाओं, नवाबों और राजवाड़ों खत्म करते हुए उन्हें भारत सरकार के अधीन करना आसान नहीं था। बिना किसी जंग के सरदार पटेल ने 562 रियासतों को भारत संघ में विलय कराया। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम।